नमस्कार दोस्तों, मैं एकता गुप्ता हाजिर हूँ क्राइम टाइम में। और आज क्राइम टाइम आपके लिए लाया है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की उस लड़की की कहानी, जहाँ कलयुगी कंस रूपी मामा ने उसके साथ दुष्कर्म किया और जहाँ उसका साथ देती रही ग्राम प्रधान, उसी के गांव की ग्राम प्रधान उसकी पत्नी, जहाँ अपनी भांजी के साथ वो दुष्कर्म करता रहा और उसकी धर्मपत्नी का साथ भी उसे मिलता रहा। जब उस लड़की ने आवाज उठाई, अपनी माँ को पूरी हकीकत बताई, तो माँ भी दंग रह गई उसकी आप बीती सुनकर। आइए आपको बताते हैं आज हम मिर्जापुर की उस लड़की की कहानी, जहाँ वो अपने घर से अपने मामा के लड़के के जन्मदिन पर उनके घर गई, वहाँ ठहरी, सब कुछ अच्छे से बीता। दिन की पार्टी खत्म हुई, जहाँ वो घर जाने लगी तो मामा और उसकी धर्मपत्नी जो वहाँ की ही ग्राम प्रधान थी, उन्होंने उसे रोक लिया और कहा कुछ दिन ठहरो और बाद में चले जाना, जिसके बाद वो वहाँ ठहर गई। लेकिन देखते देखते उसके मामा के षड्यंत्र का शिकार हो गई और उसके मामा ने मौका पाके उसके साथ दुष्कर्म किया। और जब उसने शोर मचाया तो उसको कूलर के पाइप से इतना पीटा कि वो बोलने की हालात में नहीं रही, जिसका साथ उसकी धर्मपत्नी ने भी दिया, जो उसी के गांव की प्रधान भी थी। लेकिन कुछ भी, कहीं से भी, किसी को भी खबर नहीं हुई कि उस लड़की के साथ उस घर में क्या हो रहा है। लेकिन दूसरे मामा के घर एक छोटा सा एक कार्यक्रम रखा गया, जहां उसकी माँ भी पहुंची थी। जब उसने अपनी माँ को देखा तो उसने सारी आपबीती बताई। जब माँ सुनकर दंग रह गई कि उसके भाई ने ही उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है और उसकी पत्नी ने भी उसका साथ दिया है, तो पहले तो घर वालों ने बहुत कोशिश की कि ये बात घर से बाहर ना निकले, लेकिन माँ एक ना मानी और वो जा पहुंची थाने। लेकिन थाने जाकर जब उसे पता चला कि ग्राम प्रधान उसकी मामी है, यानी कि उसकी जो भाभी है वो ग्राम प्रधान है, तो पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? चलिए अब हम आपको बताते हैं विस्तार से उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के इस गांव की ये कहानी, जहां मामा ही बना कंस और उसने अपनी ही भांजी के साथ दुष्कर्म की ऐसी वारदात को अंजाम दिया, और एक बार नहीं कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। आई नजर डालते क्राइम टाइम में इस कहानी पर। भांजी से दुष्कर्म करता रहा मामा, ग्राम प्रधान मामी ने भी दिया पति का साथ, पीड़िता ने मां को बताई आप बीती तो रह गई दंग। मिर्जापुर जिले के जिगना थाना क्षेत्र के गांव निवासी प्रधान पति ने अपनी भांजी से कई बार दुष्कर्म किया। मंगलवार रात इस मामले में युवती की मां की तहरीर पर प्रधान पति मामा और ग्राम प्रधान मामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। केस दर्ज होने के बाद से प्रधान और उसका पति गांव से भागे हुए हैं। पुलिस के अनुसार 18 वर्षीय युवती 10 जनवरी को थाना क्षेत्र एक गांव में मामा के यहां उसके पुत्र के जन्मदिन पर आई थी। उसके बाद से वह मामा के यहां ही रह गई। आरोप है कि 13 जून की दोपहर आरोपी ने युवती को कुछ पिलाकर दुष्कर्म किया। उसने शोर मचाया तो उसे कूलर के पाइप से पीट दिया। इतना ही नहीं, जब उसने घर से भागने की कोशिश की तो उसकी ग्राम प्रधान मामी ने उसे पकड़ लिया और युवती ने आरोप लगाया कि उसे चुप रहने का फ़ायदा उठाते हुए मामा लगातार उसके साथ संबंध बनाता रहा। 18 जून को उसके दूसरे मामा के घर पर शादी थी, इसमें युवती की मां भी शामिल होने आई और उसने अपनी मां को पूरी कहानी बताई। बात घर में दबाने की कोशिश की जाती रही, लेकिन मंगलवार की रात को पीड़ित युवती ने मां के साथ थाने में जाकर तहरीर दी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी मामा और उसकी पत्नी प्रधान पर दुष्कर्म और मारपीट का मुकदमा दर्ज किया। प्रभारी निरीक्षक प्रणव प्रसून श्रीवास्तव ने बताया कि पीड़ित की मां के प्रार्थना पत्र पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया गया है। किशोरी का मेडिकल कराया जा रहा, आरोपी प्रधान व उसके पति की तलाश की जा रही, उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। हंगामा टाइम्स ब्यूरो।